प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह उज्जैन पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सहकारिता विभाग की बैठक में शामिल हुए। पत्रकारों से चर्चा में मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वे यहां आईफा अवार्ड करवा रहे हैं ताकि फिल्म इंडस्ट्री यहां आए और यहां के लोगों को रोजगार मिले। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी की तुलना हिटलर से की है और कहा कि भाजपा हिटलर के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। जिस प्रकार हिटलर ने काम किए वैसे ही काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। उन्होंने आरएसएस का वर्णन करते हुए कहा कि आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है, जिसका काम षड्यंत्र फैलाना व देश को दो टुकड़ों में बांटना है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम पूंजीपति लोग तो यहाँ आके यहाँ फिल्में बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ काम करती है तो हजारों लाखों लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा, ताकि लोगों के नौजवानों की समस्या का निदान हो। कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचार हिटलर के पद चिन्हों वाली पार्टी है। ये जिस प्रकार हिटलर ने काम किए, फासिस्टवादी संगठन बनाकर राष्ट्रीय आरएसएस, जिसको मैं कहता हूँ आरएसएस नहीं है, उसका नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राष्ट्रीय स्वयं कभी स्वयंसेवक काम का नहीं करते, वास्तव में इसका असली नाम है, जो होना चाहिए वो है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। वो पार्टी का भविष्य हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और अब उनको सबक सिखाने का काम हो रहा है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।